मान लीजिए कि मैथ्स में मैं एक 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना चाहता हूं, तो 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना चाहता हूं तो 2 डिजिट के नंबर के 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, एक आपकी वंस डिजिट या जिसे आप यूनिट डिजिट भी कहते हैं और हाँ दूसरी आपकी टेंस डिजिट। हाँ अगर ये सिंगल डिजिट का नंबर होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज हम सिर्फ इसी तरीके के एग्जांपल्स को ही कवर कर पाएंगे, तो मेरे कहने का पर्पस ये है कि मान लीजिए कि अगर ये सिर्फ एक सिंगल डिजिट का नंबर होता तो सिंगल डिजिट नंबर के लिए मैं एक्स ले सकता था या वाई ले सकता था या जेड ले सकता था, है ना, एम एन पी कुछ भी जो है एक सिंगल वेरिएबल में एज्यूम कर लेता और हाँ जो है मेरा काम चल जाता, ठीक है। लेकिन जब 2 डिजिट का नंबर आता है तो उस 2 डिजिट के नंबर के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब अगर चलो अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1 वेरिएबल में, लेकिन हम अपने समझने के लिए यहाँ पर जो है एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं कि अगर मैं 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर एज्यूम करना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं पता कि 2 डिजिट कौन कौन सी हैं, तो जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा उसमें 2 इंग्रेडिएंट हैं, एक आपका जो है यूनिट डिजिट है और एक आपका टेंस डिजिट है। हाँ से आपने प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ा है कि वंस प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है और टेंस प्लेस पर है। हाँ प्लेस वैल्यू बताते थे तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। याद आ रहा है कुछ राइट हैंड साइड से? अब हाँ तो हाँ अगर मैं किसी 2 डिजिट के नंबर को इस तरीके से एज्यूम करता, मैथमेटिक्स में भले मुझे उसकी वैल्यू तो नहीं पता, तो वैल्यू नहीं पता इसीलिए मैं वेरिएबल्स लेकर आ रहा हूं, तो अगर मैं उसे एक्स वाई एज्यूम करता हूं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, अब यहां पर प्रॉब्लम है। देखो सिंगल डिजिट के केस में हमारी एक ही डिजिट थी, तो मैं नंबर को एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने एक सिंगल वेरिएबल एज्यूम कर लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि उसमें एक सिंगल डिजिट है। लेकिन अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है हाँ और उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि 2 डिजिट का नंबर है, हाँ और अगर आप एग्जाम्पल 14 की लैंग्वेज को देखो तो उसमें उसने जो है डिजिट्स को रिवर्स करने की बात की है, यानी कि डिजिट्स कौन कौन सी प्लेस पर है ये भी मैटर करता है। तो यहां पर अगर मैं उस 2 डिजिट के नंबर को एक्स वाई एज्यूम करता हूं तो ये गलत हो जाएगा। नेवर एज्यूम एक्स वाई। हाँ उसका रीजन ये है कि मैथमेटिक्स में जब मैं एक्स वाई एज्यूम करता हूं या मैं एक्स वाई लिखता हूं साइड बाय साइड वेरिएबल, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं भी ये सेम मिस्टेक करता था जब मैं स्टूडेंट था, मैं यही मिस्टेक करता था, मुझे जो है ये एक्स वाई लेने की आदत हो गई और फिर वो पूरा आखिरी तक गलत होता रहा जब तक मैंने उसको ठीक नहीं किया। तो हाँ कभी भी एक्स वाई नहीं लेना है। उसका रीजन ये है कि अलजेब्रा में जब हम साइड बाय साइड वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है ना, तो वो साइड बाय साइड वेरिएबल लिखने का मतलब होता है कि हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अब मैं यहां पर 2 डिजिट का नंबर एज्यूम करना चाह रहा हूं तो फिर मैं एक्स इंटू वाई थोड़ी ना लिखूंगा। हाँ जैसे ऐसे समझते हैं कि नंबर सपोज 58 है, अब मैं ये 58 लिखना चाहता हूं मैथमेटिक्स में। अब ठीक है मैंने ये मान लिया कि ये 58 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, हाँ तो यहां पर मीनिंग क्या निकला कि एक्स का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 8 है, हाँ लेकिन जब मैं xy लिखता हूं
तो मुझे तो यहाँ पर 5 × 8 मिलता है ना। हाँ। और मेरा नंबर क्या है 58 जो मैं एज्यूम करना चाह रहा हूँ, और उसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 40 निकल कर आएगा। अब प्रॉब्लम समझ में आई। तो कभी भी अगर हम 2 digit का नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो इस तरीके से एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सवाल उठता है क्या एज्यूम किया जाए। तो आप फिर से वापस चलते हैं हमारी प्राइमरी क्लासेस में। अगर मैंने एक नंबर लिखा है 58, तो इस 58 में क्या बोलता हूं कि ये मेरा यूनिट प्लेस है, ये मेरा टेंस प्लेस है। यूनिट नंबर जो भी नंबर है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं उसमें 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या जिसे हम 10^0 से मल्टीप्लाई करना भी कहते हैं। भाई एक्चुअल में ऐसा है। तो ये वापस 8 आता है। फिर नीचे अगर हम देखें तो ये 5 × 10^1 से मल्टीप्लाई होता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, है ना। और ये हमको 50 मिलता है। फिर क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है 58 है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर जो हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट है उसमें 1 का दम है, मतलब उसमें जो वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रही है। और जो हमारी टेंस प्लेस पर डिजिट है उसकी जो वैल्यू है वो 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है। मतलब कहने का ये कि 58 में लिख रहा हूँ साइड बाय साइड डिजिट्स लगाकर, लेकिन नंबर सिस्टम ये कहता है कि जो हमारा डेसिमल सिस्टम है नंबर को लिखने का, है ना, वो नंबर सिस्टम यहाँ पर ये कहता है कि ये 58 को आप ऐसे रीड करने जा रहे हैं कि ये 50+8 है ना। यानी कि जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो एक्चुअल में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी वैल्यू देगी। हाँ। और यूनिट प्लेस वाली डिजिट को मैं एज इट इज कंसीडर कर सकता हूँ। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि आज शायद सिर्फ यही हो पाएगा क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक भी है और एक जो है समझने में भी इसमें टाइम लग जाता है। अब सपोज मैंने यहाँ पर 234 लिखा। सो दिस ये 3 digit का नंबर है, दिस इज द 3 digit नंबर। सो वी हैव 1 digit, वी हैव 10 digit, वी हैव 100 digit, 100 place digit, एंड I have written digits side by side. मैंने digits लिखी हैं। Digits को side by side लिखने में कोई problem नहीं है because there is a proper system for it. लेकिन अगर मैं यहाँ पर इनको variable की terms में लेके x, y, z consider करता हूँ तो फिर ये 2 × 3 × 4 = 12 बनता है। तो कभी भी इसको एक्स वाई जेड ऐसा नहीं लेना है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो 100 प्लेस वाली डिजिट है 2, ये एक्चुअल में 200 है। और 3 जो है 10th प्लेस पर वो एक्चुअल में 30 है, और 4 जो है 1 प्लेस पर वो एक्चुअल में 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमने 200 कैसे ऑप्टेन किया जब मैंने 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैंने 30 कैसे ऑप्टेन किया जब मैंने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये 4 मैंने कैसे ऑप्टेन किया जब मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया। तब मुझे जाकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलनी स्टार्ट होती है 200 + 30 + 4, और फिर फाइनली मैं जाकर बोलता हूँ कि ये 234 के इक्वल है। तो हमको ये समझ जाए कि 100 प्लेस वाली डिजिट में 100 का दम है, मतलब उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसकी एक्चुअल वैल्यू हमको मिलेगी। तो इसलिए कभी भी साइड बाय साइड वेरिएबल रखेंगे तो हमको उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो कभी भी नंबर को इस तरीके से एज्यूम नहीं करना है। इतनी बात खाली अभी तक हमने ये समझा कि इस तरीके से एज्यूम नहीं करना है। अब सवाल उठता है, सर आप इतनी देर से बता रहे हो कि ये एज्यूम नहीं करना है, ये एज्यूम नहीं करना है, लेकिन करना क्या है फिर एज्यूम। तो इसको हम इसी अप्रोच से लेकर जा रहे हैं कि अगर मैं 2 digit का कोई नंबर एज्यूम करना चाहता हूं,
अभी मैं दो वेरिएबल से समझा रहा हूँ, फिर मैं सिंगल से भी समझाऊंगा। तो टू डिजिट का नंबर कभी भी अगर हम एज्यूम करेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसमें दो इंग्रेडिएंट है, एक टेंस प्लेस वाली डिजिट और एक हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट। ठीक है, तो मान ले अगर मेरी टेंस प्लेस वाली डिजिट एक्स है, भाई अगर मैं एक्स वाई लिखना चाह रहा था, जैसे मेरे जो सोचने का तरीका था वो तो ठीक था कि मुझे दो वेरिएबल नहीं पता तो मैं एक्स वाई ले लूं, तो जो मैं एक्स वाई लिखना चाह रहा था उसके हिसाब से अगर हम चले, तो मैं एक्स को क्या लेना चाह रहा था, मैं एक्स को टेंस डिजिट लेना चाह रहा था। तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, और y जो था मेरा वो यूनिट प्लेस पर था, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी, और 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फायदा नहीं है, एज इट इज लिख देता हूँ। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई टू डिजिट का नंबर एज्यूम करना है, तो मैं इस तरीके से एज्यूम करने जा रहा हूं कि जहां पर मेरा नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। हाँ, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो 10x प्लस वाई जहां पर x जो है वो आपकी टेंस डिजिट है, और जो ये y आप देख रहे हो ये आपकी वंस डिजिट है, या फिर जिसको आप यूनिट डिजिट कहते हो। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं कोई थ्री डिजिट का नंबर एज्यूम करूंगा तो कैसे करूंगा? तो थ्री डिजिट का नंबर अगर हम एज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है, मैं 100 से, बिल्कुल 100x प्लस 10y प्लस z। हाँ, अभी ठीक हो गया, x y z हाँ। नहीं है, तो इस तरीके से चलेगा। अब ऐसी अगर फोर डिजिट का हुआ तो 1000, बिल्कुल सही है। तो किस तरीके से जाएगा, 1000 a प्लस 100 b, और देखना बेटा इसी से आपने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा है आपने? अब शायद आएगा इसमें 8th क्लास में। नहीं सर, नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ, अभी 8th में आएगा ये आगे जाके, तो फिर मैं आपको यही चीज वापस दिखाऊंगा। तो हम अपना, हमें सीखने से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है, सिलेबस में तो हम स्कूल से आगे निकल ही जाएंगे, तो हम सीखते रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 10b 10c हो गया, और हमारा ये लास्ट में d हो गया, तो हमारा 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10th प्लेस और वंस प्लेस करके इस हिसाब से हमको कोई भी नंबर एज्यूम करना है, तो इस तरीके से एज्यूम करेंगे। तो फिलहाल हमें ये समझ में आया कि अगर मुझे मैथमेटिक्स में वेरिएबल की टर्म्स में अगर मैं किसी नंबर को एज्यूम करता हूँ, तो मेरे टेंस डिजिट वाली जो वैल्यू है, टेंस डिजिट जो है मेरी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी, 1000 प्लेस वाली डिजिट मेरे को एक्चुअल वैल्यू 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी, और ऐसी अगर 100 प्लेस वाली डिजिट है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी, और यूनिट प्लेस और वंस प्लेस के लिए मैं सीधा एज इट इज ही वैल्यू रख सकता हूँ, क्योंकि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक हो गया। अब जब इतनी बात हमें समझ में आती है, तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 14 पर। इसका स्क्रीन शॉट आप ले लो। हाँ सर। अब मैं आपको एग्जाम्पल 14 पे लेके जा रहा हूँ। मैं इसे आपको ओरली सॉल्व करना भी सिखा सकता हूँ, लेकिन बात फिर वहीं की वहीं आ जाएगी कि पहले लिखना सीखें हम। अब देखो, व्हेन इट कम्स टू एग्जांपल 14, रीड कर लिया आपने? हाँ सर, रीड कर लिया। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि digits of a two digit number differ by 3. So we have a two digit number. And what are the ingredients of that two digit number? There are two ingredients. The first is unit digit.
and the second as tens digit. Unless we do not have the value of unit digit and tens digit, we won't be able to find out the number. So let us first think. Let the unit digit be x. अब x क्यों ले रहा हूं? कुछ ना कुछ तो लेना ही है. x y z. हाँ कुछ ना? कुछ एज्यूम तो करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और इसी को आगे प्रोसीड करते हैं. एंड टेंस डिजिट बी x प्लस 3. हाँ ठीक हो गया. अब आप कहोगे सर x प्लस 3 क्यों लिया? क्योंकि या फिर तो हम माइनस में कर सकते थे पहले, टेंथ डिजिट को माइनस में कर सकते थे या इसको प्लस में कर सकते थे. 3 से डिफर कर रहा है मतलब उन दोनों. हाँ, के बीच में 3 का डिफरेंस है. 3 का डिफरेंस ला रहे हैं. बट माय क्वेश्चन इज कि सर x प्लस 3 ही क्यों किया? x माइनस 3 नहीं कर सकते थे क्या? x माइनस भी कर सकते थे. तो फिर आंसर अलग नहीं आता उससे? चलो अभी बात करेंगे उस पर भी. तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी अगर डिफरेंस लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी अगर डिफरेंस लिखा है तो डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. मैं पहले भी बता चुका हूं. डिफरेंस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है. एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब कि हम हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं. हम हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. तो अब उसने तो डिफर लिख दिया, डिफरेंस लिख दिया 3. तो अब बड़ा कौन है छोटा कौन है वो तो मुझे पता नहीं है. भाई ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है उसने कि बड़ा कौन है छोटा कौन है. तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. लेकिन लेकिन अगर इसी में ऐसे लिख देता कि टेंस डिजिट मोर है तो प्रॉब्लम ही नहीं रहती. बात ही क्लियर हो गई थी कि x प्लस 3 लेना था. और अगर लिख देता कि टेंस डिजिट लेस है यूनिट डिजिट से, 3 कम है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती. तो जब डिफरेंस की बात आ रही है तो डिफरेंस हमेशा ग्रेटर माइनस स्मॉलर है. अब मुझे पता ही नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो आप किसी को भी अज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप बोलोगे तो मैं x माइनस 3 से भी आपको दिखा दूंगा. हालांकि उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि क्वेश्चन की आगे की लैंग्वेज को मैं यहाँ कोरिलेट कर रहा हूँ. लेकिन आपको भी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, वो आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. तो अब हम आगे चलते हैं. तो हमारी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट बन गई. और देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम पे हमने सॉल्व किए हैं उसका एक ही फॉर्मेट रहा है. पहले वेरिएबल एज्यूम करो, जो भी उसके इंग्रेडिएंट है, जितनी भी चीजों के बारे में बात हो रही है उन सबको उस वेरिएबल की टर्म्स में रिलेट करो. तो हमने उसको वेरिएबल की टर्म्स में रिलेट कर लिया. अब हमें क्या करना है? अब हमें उसको इक्वेट करना है जिससे कि ये एक्सप्रेशन जो वेरिएबल की टर्म्स में रिलेट हो चुके हैं ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. भाई तभी इक्वेशन बनेगी और मैं तभी सॉल्व कर पाऊंगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो इसके हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि देखो इसमें लैंग्वेज इसने लिखी है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर. जो टू डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट्स को चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, और इंटरचेंज करने पर जो नंबर बने उसको मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करूं तो मुझे 143 मिलता है. तो सिस्टमैटिकली मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात अभी बताता हूं कि अभी यहां पर अगर मैंने यूनिट डिजिट को x लिया है और टेंस डिजिट को x प्लस 3 लिया है तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बना? देखो दो नंबर है यहां पर. एक तो ओरिजिनल नंबर है जो टू डिजिट का ओरिजिनल नंबर था. और एक नंबर वो होगा जो डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद मेरे को मिल रहा होगा.
डिजिट्स को इंटरचेंज करने से पर्पस ये है कि अगर 23 है तो मैं उसे 32 लिख रहा हूँ। हाँ हाँ पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ सो द ओरिजिनल टू डिजिट नंबर विल बी व्हाट? ओरिजिनल टू डिजिट नंबर होगा 10 × x + 3 + x। समझ में आया? कैसे हुआ ये भाई? टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई किया है और यूनिट डिजिट को एज इट इज लिख दिया है। इसीलिए पहले आपको वो पीछे जो ये पेज था मैंने इसीलिए वो सब समझाया आपको। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 10x + 30 + x और यहां पर हमें मिलता है 11x + 30। तो ये हमारी एक तरीके से पहली इक्वेशन हो जाती है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी एक तरीके से बन गई। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक। अब इसी में अगर मैं आपको कहूं कि नया टू डिजिट का नंबर क्या हुआ, अभी जो नया टू डिजिट नंबर है ये हमें कैसे मिल रहा है? जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि यूनिट डिजिट बन जाए टेंस डिजिट और टेंस डिजिट बन जाए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो पहले जो यूनिट डिजिट थी वो एक्स थी और अब जो टेंस डिजिट होगी वो क्या होगी? वो एक्स होगी। तो ये बन गया 10x + x + 3। पॉइंट क्लियर हुआ? ये जो नया टू डिजिट नंबर बन रहा है ये कैसे बन रहा है? आफ्टर इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स, ठीक है। अब इसको हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या मिलता है। तो हमें यहां पर मिलेगा 11x + 3 और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन कहने का मतलब दो सिचुएशंस क्रिएट हो गई। तो मैंने इसको नंबर वन और नंबर टू ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब सर अभी भी पूरा का पूरा जो है वो हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक जहां हमें पहुंचना है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ओरिजिनल टू डिजिट नंबर में जब ऐड करते हैं नया वाला नंबर, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर में जब हम ऐड करते हैं नया वाला नंबर तब हमें 143 मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तब हमें 143 मिलेगा। यानी कि 11x + 30 दिस इज माय ओरिजिनल नंबर एंड नाउ व्हेन द न्यू नंबर इज एडेड टू दिस We will get 143. तो अभी देखो क्या मिला, 22x + 33 = 143. 22x = 110.
value of x would be equal to 110 upon 22, which comes out to be 5. अब x का वैल्यू 5 आया, तो x प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा? 8 आएगा. 8. लेकिन खत्म नहीं हुआ है, हमें तो नंबर बताना था. और देखो फिर मजेदार बात, अब यहां पर जो हमें समझनी है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो x और x प्लस 3 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख के मैं ओरिजिनल नंबर निकाल सकता हूं. लेकिन अब तो हमें वैसे भी पता चल जाएगा, या तो मैं इक्वेशन में रख दूं, या फिर मैं सीधा सीधा ये कह दूं कि भाई मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो 85 है, क्योंकि मेरी टेंथ डिजिट क्या है. यहां देखो बच्चे, मेरे x का वैल्यू क्या आया? 3. सो x का वैल्यू 5. हाँ सॉरी, x का वैल्यू 5 आया. हाँ. और x प्लस 3 का वैल्यू 8 आया. तो जब मेरी टेंथ डिजिट 8 हो गई और मेरी यूनिट डिजिट 5 हो गई, तो मेरा ओरिजिनल नंबर 85 हो गया. हाँ हाँ. और इस हिसाब से मेरा नया नंबर क्या आया आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स? 58 आया. और मैं दोनों को अगर ऐड भी करता हूं वेरीफाई करने के लिए, हाँ, तो मेरा 143 आता है. हाँ. लेकिन वही बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो अब सामने आएगी. जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पॉइंट रखा था आपके सामने कि सर x प्लस 3 ही क्यों, x माइनस 3 भी तो ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंस दे रखा है. तो अगर आप x माइनस 3 लेते तो उस केस में आपके x का वैल्यू 8 आता और x माइनस 3 जो है उसका वैल्यू 5 आता. उल्टा हो जाता. मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये अभी सिंगल आंसर नहीं है, ये तो एक केस है. मान लेते हैं कि मेरा नंबर 58 है. और मेरा नया नंबर क्या बनेगा? 85. आप अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तब भी तो मुझे 143 ही मिलेगा. भाई अगर मैंने अब मैंने ऐड किया तब भी तो मुझे 143 मिलता है. हाँ हाँ. तो फिर मैं कैसे कह दूं कि मेरा ओरिजिनल नंबर 85 है? तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ओरिजिनल नंबर 58 या 85? मेरा आंसर क्या होगा? हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हेलो सर. हाँ, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. एक मिनट, अभी ठीक है? आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. एक मिनट, अभी ठीक है बेटा? हाँ सर. मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा सही आंसर क्या है. तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि दोनों ही आंसर करेक्ट हैं. हाँ, क्योंकि फाइनल आंसर तो 143 आ रहा है. एग्जैक्टली,
यू कैन क्रॉस वेरीफाई इट एंड दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर बोथ ऑफ द नंबर्स 85 का 58 लिखे हैं तो भी 143 58 का 85 लिखे हैं तो भी 143 हाँ और इसको सपोर्ट देखो क्या कर रहा है कह रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है हाँ और क्वेश्चन में ये लिखा भी नहीं ना कि x की वैल्यू किसकी वैल्यू ज्यादा है बिल्कुल ठीक है अगर वो ऐसे कह देता कि जो ओरिजिनल नंबर है वो नए नंबर से बड़ा है तो केस वन मेरा आंसर होता अगर वो लिख देता ओरिजिनल नंबर नए नंबर से छोटा है तो केस टू मेरा आंसर होता इट टोटली डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन और ये अच्छा एट्थ क्लास के अभी आपने इस तरीके के इतने लेंथी सवाल अभी तक किए नहीं है तो इसलिए मैं इसको बहुत सिस्टमैटिकली लेके आया हूँ और ये अब क्वेश्चन आता जरूर है ना तो उसी बेसिस पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और अगर आप वहां पे x प्लस 3 की जगह x माइनस 3 भी ले लेते ना तब भी आपका आंसर वही आता क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बताया कि ओरिजिनल नंबर बड़ा है या फिर नया नंबर बड़ा है लेकिन अगर लिख दे कि ओरिजिनल बड़ा है नया नंबर बड़ा है तो फिर वहां पर हमें ये बातें सोचनी पड़ेंगी तो अब हम इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपकी एक्सरसाइज में दिया होगा मैं आपको दिखाता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.4 में पर यहाँ पर थोड़ा सा उसने जो है वो लैंग्वेज को चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो क्या कह रहा है कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9 And when we interchange the digits, it is found that resulting number is greater than the original number. तो अब बता दिया इसने resulting number है digits change करने के बाद वो original से बड़ा है अब हमें equation भी उसी के हिसाब से set करनी होगी और हमारा answer भी उसी के हिसाब से आएगा तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेता हूं कि मेरी यूनिट डिजिट एक्स है कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना ही है तो हमने मान लिया हमारी यूनिट डिजिट एक्स है और इसी हिसाब से मेरी टेंस डिजिट क्या आ जाएगी एक्स 9 माइनस एक्स 9 माइनस एक्स क्यों बिकॉज दोनों डिजिट्स का सम 9 दे रखा है अगर एक एक्स है तो दूसरी 9 माइनस एक्स है सिंपल रीजन है दो वैल्यूज का सम 9 है एक वैल्यू 6 है तो दूसरी क्या होगी तो मुझे 9 में से माइनस करने पर ही मिलेगा वो तो कई बार बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता कि 9 माइनस एक्स कैसे आ गया तो जहां पे ऐसे फंस रहे हो दो वैल्यूज लेके देख लो ये दो नंबर है उनका सम 9 है एक नंबर 6 है तो दूसरा क्या होगा तो 9 माइनस 6 3 अपने आप ही बता देगा कि 9 माइनस एक्स करना है आपको अब यहां से हम देखें तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनता है हमारा ओरिजिनल नंबर बनता है 10 × 9 - x यानी कि 90 - 10x ये मेरा ओरिजिनल नंबर आया ठीक है बेटा हाँ सर अब देखो नया नंबर क्या आएगा नए नंबर में मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है यानी कि 10x होगा और फिर बाद में 9 - x प्लस होगा 10a + b वाले कॉन्सेप्ट से डिजिट्स अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने ऊपर प्लस x भी तो करना था
हम 10 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस एक्स हाँ प्लस एक्स लेंगे। बाद में करना है, तो ये 9x हो जाएगा माइनस का 9x सॉल्व करने पर, ठीक है। अब ये हो गया 10x प्लस 9x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 9x प्लस 9, तो ये हमारा नया नंबर बना। हाँ अब उसने साफ साफ कह दिया है कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, यानी कि अब देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक्सप्रेशंस मिले तो आप उसको ब्रैकेट में पुट कीजिए, बिकॉज एडिशन में तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है वहां इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये मेरा नया नंबर है 9x प्लस 9, और मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है 90 माइनस 9x, हाँ और जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे ब्रैकेट में रखने का क्या फायदा मिलेगा कि जो साइन चेंज होते हैं उसे मैं इजिली जो है ऑब्जर्व कर पाऊंगा, अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। यही किया हमने, नया नंबर माइनस जो मेरा ओल्ड नंबर था। हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमें देखो क्या मिलता है 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x इज इक्वल टू 27, हाँ और 18x हो गया, सारी वैल्यूज एक तरफ सारे वेरिएबल एक तरफ, 18x इज इक्वल टू 81 प्लस 27 हाँ यानी कि 108, और x का वैल्यू आता है 108/18 यानी कि 6, हाँ x का वैल्यू 6 आया, तो हमारे 9 माइनस x का वैल्यू 3 हो गया। तो इस हिसाब से मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, इस हिसाब से मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, तो आप देखो कि ओरिजिनल नंबर में आपकी यूनिट डिजिट x है जो कि 6 आई है, और आपकी जो 10th डिजिट है वो 9 माइनस x है जो कि 3 आई है, तो आपका ओरिजिनल नंबर 36 बना, और जो नया नंबर है वो नया नंबर आपका 63 बनेगा। और यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो नया नंबर है 63 वो ओरिजिनल नंबर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 27, देखो क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। तो ये हाँ सो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है एक आधा जरूर मिल जाएगा, और फर्दर मैं इसमें आपको जो है अगला भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी लैंग्वेज भी बदल रही है, कह रहा है वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, यानी कि अब बताया नहीं कि यूनिट डिजिट है कि 10th डिजिट है, ऐसा कुछ नहीं बताया है, बोला एक डिजिट दूसरे की 3 टाइम्स है, और हाँ जब आप टू डिजिट के नंबर और नंबर चेंज करने पे जो नया नंबर बन रहा है उन दोनों को ऐड करते तो 88 आता है, हाँ ठीक हो गया। तो मैं तो ना हाँ ऐसे ही बता दूंगा कि 62 और 26 होगा नंबर, लेकिन अभी ये ओरली सॉल्व करना भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल हम पहले ये लैंग्वेज सीख लें, क्योंकि ये लैंग्वेज भी इजी नहीं है, टफ है। तो यहीं पे हम मान लेते हैं फटाफट, यूनिट डिजिट मेरी एक्स है और मेरी 10th डिजिट 3x है, इस हिसाब से ओरिजिनल नंबर क्या बनता है, ओरिजिनल नंबर बनता है 30x, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस x, ठीक है बच्चे भाई। हाँ सर n इंटू 3x है ना, हाँ, तो हाँ ये हो गया हमारा 31x।
ऐसे ही देखो नया नंबर क्या बनेगा, डिजिट चेंज हो गई, अब जो टेंथ डिजिट है वो एक्स हो जाएगी, यानी कि 10x प्लस 3x, यानी कि मिला के हो गया 13x। अब ओरिजिनल नंबर यानी कि 31x और 13x दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, 88। क्वेश्चन में 88 दे रखा है ना, ओरिजिनल और नए नंबर को ऐड करने पे ऐसा है, तो 44x is equal to 88 आता है, x का वैल्यू 2 हो जाता है और 3x का वैल्यू 6 हो जाता है, और इस हिसाब से हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर हमारा आता है 62 और जो नया नंबर है वो आता है 26। देखो वो थ्री टाइम्स वाली सिचुएशन भी कंप्लाई कर रही है और जो ऐड करके 88 आ रहा है वो भी कंप्लाई कर रहा है, और फिर मजेदार बात देखो कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 26 हो और मेरा नया नंबर जो है वो 62 हो तब भी तो सेम बात है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये दोनों दो आंसर वाली सिचुएशन कहां पर क्रिएट होगी, जहां मुझे पता ही नहीं है कि ओरिजिनल नंबर बड़ा है कि नया नंबर बड़ा है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें और ऐसे क्वेश्चंस तो है नहीं, ये दो ही थे आपके और एक एग्जांपल था, ये मैंने आपको करवा दिया। अब आगे आगे जाके भी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, बाकी थोड़ा बहुत जो आप देखना चाहो वो देख सकते हो, है ना। कोशिश करूंगा कि कुछ और भी इसमें मैं करवाऊँ आपको, लेकिन अभी आज के लिए फिलहाल इतना ही है। स्क्रीन शॉट आप ले लो इसका। Thank you, sir. Okay.